हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं अपने लेकर आ चुका हूँ फिर से कुछ नई ट्रिक्स। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है, जो भी उसका सबसे पहले सही आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से, जो आपको करनी है क्लॉक टावर पे। ये ट्रिक बिल्कुल ही नई है, आज तक आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर आपको आना है क्लॉक टावर के इस हाउस के पास। इस तरह से अपने फ्रेंड को नीचे बैठाना है, फिर आपको चढ़ना है उसके ऊपर। और जैसे भी उसके ऊपर चढ़ोगे, आप यहाँ से नीचे से अच्छे से ऊपर का पूरा व्यू देख पाओगे। ऊपर जहाँ पर भी एनिमी होगा, आप उसको नीचे से इजीली देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ग्रेनेड भी नीचे से ऊपर की तरफ फेंक सकते हो, यहाँ पर इसलिए एनिमी को भी किल कर सकते हो। और ये वाला हाउस जो है बहुत सारे जगह पर है, केप टाउन पर भी एक ऐसा हाउस है और रिमना विलेज में भी एक ऐसा हाउस है। तो जितने भी यहाँ पर ये इस टाइप के हाउस है ना, सब एक हाउस के पास आप इसलिए को ईजिली यूज़ कर सकते हो। और ग्रेनेड भी आप इजिली इस तरह से फेंक सकते हो ऊपर, जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। और ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको आना है मेल के इस ब्रिज के पास। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली इस साइड में आना है। यहाँ पर आपको स्कोप खोल के इस तरह से पहले तो ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद आपको इस साइड में इस तरह से रन करते आना है यहाँ पर इस सीमेंट वाले खंभे के पास। और यहाँ पर आने के बाद आपको स्कोप खोलना है, फिर आपको इस तरह से धीरे धीरे जस्ट को राइट की ओर मूव करना है। तो फिर आप चले जाओगे नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्रोन करना है। फिर आप यहाँ पर बैठ कर इजिली अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। और यहाँ पर आप बाहर तो निकल सकते हो, बट आपको फिर नीचे से निकलना पड़ेगा, ऊपर से आप वापस ऊपर नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइडिंग प्लेस है, तो अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर रिवर्स साइड में, और रिवर्स साइड में आपको आना है इस वाले स्क्वायर वाले हाउस के पास। तो इस हाउस को बहुत सारे बंदे मल्टी विंडो भी बोलते हैं। इसी वाले हाउस के पास आपको आना है, आपको इस तरह से बालकनी की साइड से इस तरह से नीचे जाना है धीरे धीरे। तो फिर आप चले जाओगे इस दीवार के ऊपर, और दीवार के ऊपर आने के बाद पहले आपको इस साइड में आना है। इस तरह से आप यहाँ पर आ सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद आपको सामने जो पेड़ दिख रहा है, यहीं पे आपको दो ग्लोवाल सेट करने हैं। तो ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर कैसे दो ग्लोवाल सेट किए हैं। आपको भी इस तरह से अच्छे से दो ग्लोवाल सेट करने हैं, ताकि आप फिर उन पर ईजिली चढ़ पाओ। तो दो ग्लोवाल सेट करने के बाद आपको पहले वाले ग्लोवाल के ऊपर जाना है, फिर यहीं से आपको अपना जो है सामान एयर ड्रॉप यूज़ करना है। दूसरे वाले ग्लोवाल के ऊपर आप जाकर सामान एयर ड्रॉप को यूज़ मत करना, नीचे से आप करना, फिर आप ईजिली इसको कर पाओगे। तो जैसे आपका ड्रॉप यहाँ पर आएगा, फिर आपको चढ़ना है दूसरे ग्लोवाल के ऊपर, फिर आपको चढ़ना है ड्रॉप के ऊपर। और ड्रॉप के ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर ड्रॉप को पूरा लूटना है, और नीचे जो आपने दो ग्लोवाल सेट किए थे उनको भी तोड़ देना। वैसे वो 2-3 सेकंड के बाद खुद ही टूट जाएंगे। फिर आप यहाँ पर अच्छे से पूरा का पूरा यहाँ पर हाइड हो जाओगे। यहाँ पर आपको पेड़ का बहुत ही अच्छा कवर मिलेगा, आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, इसलिए आप रैंक को पुश कर सकते हो। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की ओर। इस ट्रिक को करने के लिए आपको पहले जाना होगा जोन के बाहर। यहाँ पर आप देख लो, मुझे यहाँ पर अच्छे से डैमेज पड़ा है, जो कि नॉर्मली पड़ता है। और ऊपर ये जो है जून का एनिमेशन वगैरह, वो भी अच्छे से यहाँ पर दिखा रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पर बाइक को सेट किया इस तरीके से, आपको भी इस तरीके से बाइक को सेट करना है। पूरा आपको जो है बाहर नहीं रखना है, आपको आधा बाहर रखना है, आधा जून के अंदर रखना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो आधा बाइक है वो यहाँ पर जून के बाहर है, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, यहाँ पर अच्छे से जून का जो है वो एनिमेशन वगैरह भी दिखा रहा है। बट यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। और सिर्फ बाइक के साथ ही नहीं, आप चाहे तो इस पानी वाली गाड़ी के साथ भी इजिली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख लो मैंने यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर एनिमेशन भी दिखा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जून के बाहर बैठा हूँ, और बैठा भी हूँ, बट मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए यहाँ पर देख लो मेरे पास कितना एमओ है अभी MP40 में। तो यहाँ पर मैंने मैगजीन ड्रॉप किया, फिर से यहाँ पर मैगजीन को उठाया, और अभी देख लो यहाँ पर कितना एमओ मेरा माइनस हुआ है। अभी देखो मेरा यहाँ पर 41 यहाँ पर एमओ है। मैंने फिर से मैगजीन ड्रॉप किया, फिर से यहाँ पर मैगजीन उठाया, और अभी आप यहाँ पर देख ही सकते हो मेरा जो अभी एमओ था 41, अभी वो 33 का हो चुका है। फिर से मैंने यहाँ पर मैगजीन को ड्रॉप किया, फिर से आप यहाँ पर देख ही सकते हो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर गोली जो है फिर से कम हो चुका है। मतलब ना तो मैंने कुछ फायर किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी यहाँ पर मेरा जो है एमओ खत्म हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 6 को करने के लिए आपको आना है यहाँ पर मार्स इलेक्ट्रिक के पास। यहाँ पर आप लोकेशन भी अच्छे से देख ही सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैठना है, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से अपने लूट को जो है ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी लूट ड्रॉप की है, आप देख ही सकते हो सामने मैंने यहाँ पर सारी लूट ड्रॉप की है। और यहाँ पर आप अच्छे से देख ही सकते हो मैंने यहाँ पर लूट तो ड्रॉप की, और यहाँ पर ऊपर भी दिखा रहा है कि यहाँ पर लूट है, बट मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लूट नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये जो यहाँ पर ज़मीन है ना, ये आपकी सारी की सारी लूट निकल लेता है, गायब कर देता है। बट जैसे आप इसके पास जाओगे आपकी लूट दिखेगी, और आप उसको वापस भी यहाँ पर उठा सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको आना यहाँ पर लॉबी में। तो लॉबी में पहले देख लो मैंने यहाँ पर नया वाला लोन वुल्फ मोड लगाया है, और इसमें जो है आप ड्यो स्टार्ट नहीं कर सकते। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, आप ड्यो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड को बोलना है कि वो ड्यो का कोई भी यहाँ पर क्लासिक लगा के रखे, फिर आपको जाना है उसके ग्रुप में,
और ग्रुप में जाने के बाद आपको सिंपली जाना है इवेंट सेक्शन पे, यहाँ पर आपको आना है, फिर यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके पे टैप करना है। और जैसे आप ओके पे टैप करोगे यहाँ पर आपको जो मोड है ना वो खुद ही लोन वोल्फ में चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर ड्यूओ लगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको ना ट्रेनिंग में, क्लासिक में, कहीं पे भी इस ट्रिक को कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पर अच्छे से ट्रिक को देख लो, फिर मैं आपको ये ट्रिक खुद भी करके दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपको पता होगा हम वूकोंग लगा के इधर उधर घूम सकते हैं, बट इमोट लगा के हम इधर उधर नहीं घूम सकते। बट यहाँ पर आप देख लो मेरा फ्रेंड जो है यहाँ पर इमोट भी कर रहा है, वूकोंग भी यूज़ किया है और यहाँ पर इमोट लगाते लगाते इधर उधर घूम भी रहा है। और आज का क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पर इमोट कर रहा है ना, ये वाला इमोट, ये देखो यहाँ पर कौन सा इमोट कर रहा है, इसका आंसर क्या है, मतलब इस इमोट का नाम क्या है। जो भी सबसे पहले ये कमेंट करेगा इसका सही आंसर, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पर पहले टैप करना है किसी भी इमोट पे, फिर आपको यहाँ पर टैप करना है वूकोंग। बट आपका जो इमोट है ना वो एनिमेशन वाला होना चाहिए, तभी आपको दिखेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि ट्रिक ही नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको फिर से आना है पहले लॉबी में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले टैप करना है कस्टम पे, फिर आपको यहाँ पर टैप करना है क्लैश स्क्वाड पे, ये वाला आपको मोड सेलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है यहाँ पर गेम के ऑप्शन में और यहाँ पर लिमिटेड डेमो को नो कर देना है, फिर आपको जाना है एडवांस्ड सेटिंग में और इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको ये जो लैंडमाइन दिख रहा है इसको आपको टिक कर देना है, अगर आपके पास रेड वाला कस्टम है तभी आप इस ट्रिक को कर पाओगे। बट ये जो है कल ही मिला था आपको पता होगा, बट अगर आपके पास नहीं है ये कस्टम आप इस ट्रिक को नहीं कर सकते। मेरे पास और एक तरीका है जिससे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पर ट्रिक को देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर आग लग चुकी है पूरा, यहाँ पर कितना ज़्यादा मस्त हमें व्यू दिख रहा है आप देख ही सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक को आप कैसे कर सकते हो अगर आपके पास रेड वाला कस्टम नहीं है। इसको करने का और एक तरीका मेरे पास है, बट वो मैं आपको आज नहीं बताने वाला, 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको वो वाला तरीका भी दिखा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए भी आपको आना यहाँ पर किसी भी मोड में, क्लैश स्क्वाड, क्लासिक, किसी में भी कर सकते हो, बट आपका जो यहाँ पर अनलिमिटेड एमो होना चाहिए। आपको सिंपली एक लैंडमाइन बाय करना है, फिर आपको जाना है किसी भी ऊंची जगह पे, मैं आया हूँ इस हाउस के ऊपर, आप जो तो कहीं और भी इस ट्रिक को कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद पहले आपको अच्छे से अपने आप को सेट करना है यहाँ पर, मतलब पूरा आपको बाहर की साइड रहना है, और फिर आपको यहाँ पर जितना हो सके उतने लैंडमाइन सेट कर दो, 100-150 जितना आपसे हो सके उतना आप यहाँ पर सेट कर दो। यहाँ पर आप नीचे देख ही सकते हो मेरा जो लैंडमाइन का यहाँ पर होता है ना वो सर्कल, वो यहाँ पर पूरा येलो हो चुका है। इस तरीके से आपका भी येलो हो जाएगा, फिर ही आप इस ट्रिक को कर पाओगे। तो जैसे ही येलो हो जाए फिर आपको नेट को ऑफ करना है, फिर आपको इसके पास जाना है, फिर आप चले जाओगे ज़मीन के नीचे, और यहाँ पर आप मरोगे नहीं, जैसे आप नेट ऑन करोगे ना वापस आ जाओगे ऊपर। आप देख ही सकते हो यहाँ पर मैं भी वापस यहाँ पर आ चुका था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ज़मीन के नीचे भी जा सकते हो, यहाँ पर किसी भी मोड में और किसी भी जगह पे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। और यही था इस वीडियो में, अगर आपको आंसर पता है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जल्दी से कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।